गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में जो टॉपिक कर रहे हैं वो बेसिकली इस यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। वो क्या है हमारा लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है मास, स्पेक्ट्रोग्राफ। क्या नाम है? मास स्पेक्ट्रोग्राफ, राइट, जिसको हम लिख सकते हैं द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, तो आज हम इस पर डिस्कस करते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ कि क्या होता है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये वाली बात ध्यान से सुनिए कि ये जो है यूनिट फर्स्ट का एक लास्ट टॉपिक है। बेसिकली आपकी यूनिट्स में बीच में था ये टॉपिक, लेकिन हम लोगों ने इसको लास्ट में क्यों लिया है, क्योंकि ये बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। इस टॉपिक में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट एक बार बताई जाएगी, ये क्या काम आता है वो एक बार बताया जाएगा, और शायद फिर तीन वीडियो बन जाएंगी, 3 to 4 बन सकती हैं, कुछ नहीं कह सकते अभी हम, ठीक। और वो सारी वीडियो में सिर्फ रिटर्न पार्ट ही होगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैम लिखे ही जा रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही थ्योरेटिकल है, आपको एक बार समझने के बाद में इसको सिर्फ राइट डाउन करने का ही काम करना है, ठीक है। तो देखिए, मास स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या काम आता है, ठीक है, तो इसका फर्स्ट यही बेसिक वाली बात चल रही है इनकी, मास स्पेक्ट्रोग्राफ यानी कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। बच्चों, जो ये नाम है वो बेसिकली किसी एक एपरेटस का नाम है, किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम है, ठीक है। ये जो एपरेटस है वो द्रव्यमान को नापने में, किसी भी मास को मेजर करने में यूज लिया जाता है ये एपरेटस, राइट। इस एपरेटस की तरह हम यहां देखेंगे ये क्या काम आता है और किस तरीके से ये किसी भी नाभिक के द्रव्यमान को मेजर करता है, ठीक है। तो इसमें यहां पे नाभिक के द्रव्यमान को या न्यूक्लियस के द्रव्यमान को, न्यूक्लियस के मास को मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है कि m इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन में इलेक्ट्रिक चार्ज E, राइट। कहने का मतलब है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में हम जिस भी न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस भी न्यूक्लियस के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है वो फाइंड आउट किया जाएगा, और जब इस टोटल चार्ज को हम फाइंड आउट कर लेंगे तो E का डिवाइड करने पर हमें टोटल मास मालूम पड़ जाएगा। इसे ही कहते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं, राइट। समझ आई बात यहाँ तक की आप लोगों को? जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ है ये एक ऐसा थ्योरेटिकल टॉपिक है जो कि आप लोगों से ये बड़े क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये एक ऐसा एपरेटस होता है, एपरेटस की अगर हम लोग बात करें तो सपोज कीजिए एपरेटस के अंदर, ठीक है, ये यहाँ कोई एक इस तरीके से आयन सोर्स लगते हैं। अभी सुन लीजिए कहानी है, एक क्या लगाता है, आयन सोर्स लगाता है। ये जो आयन सोर्स हैं उनको बेसिकली बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से भेजा जाता है, तो इसके लिए एक सर्कुलर नली को यूज़ किया जाता है, राइट। किसको यूज़ किया जाता है? एक बेलनाकार चीज़ को यूज़ किया जाता है। जब आयन सोर्स से कुछ चीज़ भेजी जाती है तो वो बेसिकली एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती है। जब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से यहाँ से गुजरती है, कुछ इस तरीके से गुजरती है, ठीक है, तो यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट मिलती है। क्या मिलती है? एक फोटोग्राफिक प्लेट। इसे हमने क्या बोला? फोटोग्राफिक प्लेट,
राइट। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र तथा चुंबक क्षेत्र है। ऊपर आयन सोर्स बना हुआ है और आयन सोर्स से कोई किरणों को भेजा जाता है। अब देखिए ये क्या काम आता है, समझिए कैसे काम करते हैं इसको हम। इसकी अगर हम मेन पार्ट्स की बात करें, अगर मेन पार्ट्स की बात की जाए तो इसके पास में कुछ मेन पार्ट्स होते हैं जिसे हम कहेंगे आयन सोर्स कहेंगे। लिख देते हैं फर्स्ट, आयन सोर्स कहेंगे। सेकंड कहेंगे फिल्टर और थर्ड कहेंगे रिकॉर्डिंग चैम्बर। रिकॉर्डिंग चैम्बर। अब सुनिए इसकी कहानी, देखिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, मास स्पेक्ट्रोग्राफ किसी भी न्यूक्लियस के मास को मेजर करता है, मास के मापन करता है, जहां एम क्या होता है, क्यू अपॉन में ई, मतलब कि टोटल चार्ज अपॉन में इलेक्ट्रिक चार्ज ई, जिसकी वैल्यू आपको मालूम है ना 1.6 × 10⁻¹⁹ होती है कूलाम में। ये एपरेटस बना हुआ होता है कुछ इस प्रकार से, ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो कुछ इस प्रकार से मिलकर बना होता है। जब हमें मास देखना है किसी भी न्यूक्लियस का, तो उसके जो आयन्स होते हैं उनको बहुत अधिक वोल्टेज से डाला जाता है। यहाँ पर एक वी वोल्टेज होती है, आपको मालूम है जब यहाँ वोल्टेज होगी तभी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है। करंट के फ्लो होने की वजह क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या करता है बच्चों? स्टार्ट करता है। जब चार्ज को, बहुत सारे चार्जेस को एक साथ यहाँ भेजा जाता है, उनके भेजने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अगर कम एनर्जी से भेजते हैं तब तो ये सर्कुलर लूप को लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सिलेंड्रिकल नली को लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से भेजते हैं, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से भेजते हैं, तब हम यहाँ क्या यूज़ करते हैं? इस बेलनाकार को यूज़ करते हैं, इस सर्कुलर नली को यूज़ करते हैं। क्लियर बात? इसका काम क्या होता है सर्कुलर नली का, कि ये इनको एक पोटेंशियल के लिए एक पाथ दिखाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ क्या काम करता है ये। अब यहाँ तक हम लोगों के बहुत सारे आयन्स आते हैं, आयन्स को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स जनरेट करती हैं। लॉरेंज फोर्स से आता था ना, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई प्लस में क्यू वी क्रॉस में बी, ऐसा कुछ आता था ना लॉरेंज फोर्स से, किसी को याद हो तो। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी तो मिल ही रही है, तो यहाँ क्या बनता है बच्चों? एक फोर्स जनरेट होता है, जिस फोर्स की वजह से ये जो भी आयन्स हैं, जो कि सारी सेम एनर्जी के होने चाहिए, जो सेम एनर्जी के आयन्स होते हैं, अलग अलग एनर्जी नहीं, सब सेम एनर्जी के जो आयन्स होते हैं, वो हमें फिर कहाँ मिलते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट पर मिलते हैं। ये जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उस पर हम लोगों को सारे आयनाइज्ड आयन्स मिल जाते हैं, और इनके मिलने के बाद हम देख लेते हैं हमें कितने आयन्स मिले हैं, और आयन्स अपॉन चार्ज करते ही हमें उनका क्या मिलता है? मास मिलता है। इसी एपरेटस को हम पढ़ते हैं किसके नाम से? द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के नाम से, या फिर कह सकते हैं बच्चों मास स्पेक्ट्रोग्राफ के नाम से इस वाले एपरेटस को ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ये थियोरटिकल टॉपिक है, ये सब समझना नहीं था हम लोगों को, बट आप लोगों को एक प्रिव्यू मिलना चाहिए था कि ये बेसिकली कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं हम इनसे। ठीक है, तो हम अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और उस टॉपिक में भी मैं आपको अब एक एक चीज़ का बताती हूँ कि यहाँ पर फोर्स कैसे लग रहा है, कि ये यहीं जा रहा है या फिर किस टाइप की चीज़ें लग रही हैं।
ठीक है। तो अब हम बेसिकली इसमें एक पॉइंट स्टार्ट करते हैं, देखिए समझने का काम करते हैं अब हम थोड़ा कि आयन सोर्स क्या होते हैं, फिल्टर क्या होते हैं, उनकी बात करते हैं और फिर इन्हें लिखना स्टार्ट करते हैं और 3 लेक्चर तक आप इनको लिखते ही रहना। देखिए आयन की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसको बताने से पहले आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं हम पिछला, ताकि मैं यहाँ कह सकूँ एनर्जी इज इक्वल टू ई वी होता है, ठीक है। अगर किसी एक पॉइंट ए और दूसरे पॉइंट बी पे अगर किसी एक चार्ज को, क्यू को, किसी एक चार्ज को पॉइंट ए से कहाँ लेके जाया जाए, पॉइंट बी पे लेके जाया जाए, मैंने कहा अगर किसी एक चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाते हैं तो हमें एक वर्क करना होता है, ठीक है। पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल है वो है क्या, वी ए। पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल है वो बी बी है। तो आपको मालूम है जब ए से बी पॉइंट पे जाते हैं तो जो वर्क डन होता है, ठीक है, वर्क डन, और किसको लेके जा रहे हैं हम, चार्ज को लेके जा रहे हैं, वो किसके इक्वल होता है, कहाँ जा रहे हैं, बी पे, किसके लिए, ए के लिए। तो हम पढ़कर आए हैं कि बी बी ए कुछ इस तरीके से लेके जाते हैं। इसे बोलते थे पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोलते थे इस बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस, या कह सकते हैं विघवांतर, क्या बोलते हैं हम इसको, विघवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या नाम दिया हमने, विघवांतर, ठीक है। वहीं अगर दूसरे तरीके से अगर आप इसको सोचें कि मैं इस ए पॉइंट को कहां ले जाऊं, इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेकर आए बी पॉइंट तक, तो यही हो जाएगा इन्फिनिटी। तो वी बी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन चार्ज, और ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। तो हम इसे बोल सकते हैं V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू, इसे बोलते हैं पोटेंशियल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली ये चीज़ मैं थोड़ा स्पीडली इसलिए बताई है, आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और आपने ये सारी बातें क्लास 12th में भी पढ़ी हैं और फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी पढ़ी हुई हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसमें आपको मालूम है किसी चीज़ को लेके जाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो वर्क डन होता है उसे ही एनर्जी बोलते हैं। तो हम एनर्जी के लिए ऐसे लिख सकते हैं क्या, V इज इक्वल्स टू E अपॉन में Q, ठीक। तो एनर्जी क्या बनती है, E इज इक्वल्स टू V और ये क्या है, Q। तो मैं आयन के लिए एक बार लिख दूँ साइड में, E इज इक्वल्स टू V Q, ये क्या है, एनर्जी है। E तो क्या है, एनर्जी है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। और Q क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास में, चार्ज है। लिखा इसको हमने, तो देखिए अब हम देखने हैं कि उस टॉपिक में आयन सोर्स को कैसे लेके जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आयन को, आयन्स को अगर ये किसी प्लेट से निकाल रहे हैं, इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है। ये अगर पॉजिटिव है, ये कैसी है, निगेटिव है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितनी होती है, क्यू वी, ये होती है। ई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू वी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मालूम है ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल भी हो सकती है, पोटेंशियल जो एनर्जी है, सॉरी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल भी हो सकती है, क्योंकि किसी चार्ज है जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो किसी चार्ज के अंदर कोई मास भी है और उसने कोई वेलोसिटी भी रख रखी है। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या दिखाते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या कह सकते हैं, ई, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है,
सबको याद होगा हाफ एम वी स्क्वायर, या वी को ऐसे लिख रही हूँ क्योंकि ये तो वेलोसिटी है और ये वाला वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, दोनों ही चार्ज कैसे और दोनों ही एनर्जी कैसी हैं, इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू वी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, और वेलोसिटी निकालनी है। हम वेलोसिटी निकालना क्यों चाह रहे हैं कि आयन सोर्स से किसी चार्ज पार्टिकल को कितने वेग से फेंका जा रहा है, ठीक है। तो देखो वी कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर देखिए पहले, टू क्यू वी अपॉन में एम। तो v वेलोसिटी का जो इस है वो कितना बनगा, 2qv अपॉन में m। अगर ये qe है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम लिख सकते हैं कि v वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2ev अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने एक बात की है, अच्छा ये v स्क्वायर है ना, तो ये v क्या सा हो जाएगा, रूट में कितना आया है, रूट 2ev अपॉन में m। तो इसको मैं साइड में लिख देती हूँ कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम कहीं भेजते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हो v और मास हो m और चार्ज हो e, तो जो उसकी वेलोसिटी होगी जाने की वो कितनी होगी, v। पोटेंशियल डिफरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, विद्युत विभव, विद्युत विभव, ठीक है। और वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, वेग, राइट। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। ये वो टॉपिक है, ये वो पॉइंट है जो हम इस पूरे टॉपिक में यूज करने वाले हैं आज, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं इसकी ही। सपोज कीजिए, इसको हटाते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ही बात की है क्योंकि हम पूरे टॉपिक में ये बात करेंगे तो हम वेलोसिटी को इतना मान लेते हैं तो आपको वो समझ आनी चाहिए सारी चीज़ें। अब देखिए, एक बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। आपको मालूम है जो फोर्स होता है बी एफ ऑन बी, मैग्नेटिक फील्ड पे जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, क्यू वी वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, ये लगता था बचपन में, देखा होगा आपने आपकी 12th-11th क्लास में, और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी देखा था कि जो फोर्स है वो लगता है क्यू वी क्रॉस में बी, जहाँ जो वी है वो वेलोसिटी है, जो बी है वो क्या है बच्चों, एक मैग्नेटिक फील्ड है ये भी, और एफ क्या है, फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए आपसे एक ऐसे लेते हैं कि सपोज कीजिए ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है। डॉट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, सबको पता होना चाहिए। डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, क्या होता है बच्चों, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, या फिर बाहर की तरफ। और क्रॉस बनाते तो क्या लिखते, इनवर्ड लिखते। अगर इस आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में सपोज कीजिए किसी भी प्लस चार्ज को, किसी प्लस चार्ज को वी वेलोसिटी से इस चार्ज को हम ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा ये मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, बी वेक्टर। कहाँ की साइड है बच्चों, आउटवर्ड, आपकी तरफ है, बाहर की साइड है। तो हमने क्या लिखा, ये कहाँ है, आउटवर्ड्स, या फिर बाहर। अब देखिए, जब प्लस क्यू चार्ज को वी वेलोसिटी से लेके जाते हैं तो आप लोगों ने ये निकालना सब सीखा हुआ है, कैसे सीखते थे, देखिए। अगर किसी भी चार्ज को लेके जा रहे हैं, ठीक है, कहाँ लेके जा रहे हैं, ऊपर, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, v ऊपर की साइड। ये हाथ, राइट हैंड थंब रूल,
हम इसके थंब रूल से निकालते थे या फिर पाम रूल से निकालते हैं। पाम रूल को कैसे यूज करते हैं हम लोग? हमारा जो ये थंब है वो किसको बताता है कि चार्ज कहाँ जा रहा है, चार्ज कहाँ जा रहा है। ये जो लाइंस है वो किसको बताती है? मैग्नेटिक फील्ड को। और जो हमारा ये वाला हाथ का पाम होता है, ये वाला, ठीक है, ये किसको बताएगा बच्चों? फोर्स को। ये नहीं बताएगा फोर्स को, ठीक है, ये बताएगा। अब देखिए चार्ज कहाँ जा रहा है हमारा? ऊपर की साइड, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है हमारा चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है? बाहर है, मैंने अंदर बना रखी है, तो हाथों को ऐसे घुमा दिया जाए। अब देखो चार्ज कहाँ जा रहा है? ऊपर, ऊपर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर, आपकी तरफ, तो फोर्स कहाँ लगेगा? इस तरफ लगेगा। अब देखिए जब ये चार्ज ऊपर जा रहा था, फोर्स कहाँ लग रहा है? इस साइड, यहाँ ऐसे बना दूँ, फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड से। तो इस चार्ज का जो मोशन है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसा सर्कुलर मोशन पर ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो हम क्या कहेंगे? यहाँ फोर्स ऐसे लग रहा था, तो इसका रिजल्टेंट है बेसिकली वो कहाँ जाएगा? इस डायरेक्शन की तरफ जाएगा। ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले भी, पढ़ चुके हैं ना सब स्टूडेंट्स इसको। तो अब देखिए ये जो F है ये कितना हो जाएगा? हमें एक फॉर्मूला मालूम है, ये होता है जब क्रॉस लगते हैं तो साइन थीटा आता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? एफ बी इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, जहाँ जो थीटा होता है वो किसका एंगल होता है, किसका कोण होता है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का। देखो वेलोसिटी कहाँ है? ऊपर है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर है। ये ऊपर बाहर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, तो साइन 90 कितना होता है? 1। एफ बी कितना हो गया है? क्यू वी बी, या हम कह सकते हैं चार्ज ई है, तो एफ बी कितना आ जाएगा? ई वी बी। और इसको हम यहाँ लिख देते हैं साइड में कि जो फोर्स है वो कितना मिला हम लोगों को? ई वी बी। मतलब कि कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरीके से जा रहा है, ई वी बी से, राइट। ये जो कंसेप्ट था ये हमने क्यों पढ़ा, कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट, क्योंकि यही बातें हम लोगों को मास स्पेक्ट्रोग्राफी के अंतर्गत बातें करनी है कुछ, ठीक है, तो हम वहाँ पे डिस्कस करते टाइम थ्योरेटिकल पार्ट में डिपेंड रहेंगे, इसलिए आपको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, रफली लिख लीजिए, कोई काम का नहीं है वैसे तो, ये समझने का है, माइंड में रखने का है, क्योंकि ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले से ही। अच्छा बच्चों, आप ये जो फोर्थ की डायरेक्शन है मैंने पाम रूल से बताया है, कई तो इसको शायद इससे भी निकालते होंगे ऐसे कुछ करके, है ना, ऐसे निकालते थे ना। देखो ऐसे निकालने के लिए बता देती हूँ, कई कंफ्यूज मत होना, हमने हाँ जो पाम डायरेक्शन पाम से निकाली है, ठीक है, हथेली के नियम से निकाली है। हम अगर लेफ्ट हैंड के रूल से लेते हैं तो जो हमारा थंब होता है, थंब ये किसको बताता है? फोर्स को। ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड को, और ये बताता है किसको? पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, मतलब एफ एम, और ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन। याद कैसे रखोगे? एफ, एफ यानी फादर, मदर और चाइल्ड। फादर यानी कि एफ यानी फोर्स, मदर एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है? करंट। करंट कहाँ जाता है? पॉजिटिव की डायरेक्शन में। अब देखो पॉजिटिव कहाँ जा रहा है? ऊपर। ये किसको बताता है? एफ एम मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है बच्चों? बाहर, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर की साइड है, तो ये थंब किसको बताएगा? फोर्स को। तो हमारा जो फोर्स है वो कहाँ लगेगा? इस डायरेक्शन पे। ऐसे भी आप निकालते होंगे इसको पहले, ना, तो इसको लिख लो।
इसको लिखने के बाद हम लिखना स्टार्ट करते हैं आज। देखिए लिखते हैं हम, ठीक है, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं लिखना। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ की। ये वाली बात हमारी हुई सिर्फ इसके क्या है ये। तो मैं एक साइड इंग्लिश में लिख रही हूँ और दूसरी साइड हिंदी में लिखती हूँ। आप लोग साथ साथ में ही सब लिखना स्टार्ट कर दीजिए, अपने अपने हेडिंग डाल लीजिए, हिंदी वाले हिंदी को देख लीजिए और इंग्लिश वाले इंग्लिश को देख लीजिए, ठीक है। अब सिर्फ लिखने का काम होगा, समझने पे डिस्कस कम होगा। तो लिखिए, सबसे पहले हम इसका लिखते हैं डेफिनेशन, है ना, और यहां लिख देंगे हिंदी वालों के लिए। तो एक बार थोड़ा सा इनके लिए वेट करिए। डेफिनेशन में लिखिए, द एपरेटस ऑफ फाइंडिंग मास, द एपरेटस ऑफ फाइंडिंग मास ऑफ एटम और मॉलिक्यूल ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल इन विच एटम ऑफ डिफरेंट मास आर फोकस्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज पार्टिकल्स, ऑन चार्ज पार्टिकल्स इज नोन एज मास स्पेक्ट्रोग्राफ, इज नोन एज मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है। एंड द फोटोग्राफिक प्लेट एंड द फोटोग्राफिक प्लेट is known as mass spectrum, mass spectrum, right। अब हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें, परमाणु को नापने वाला उपकरण
द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाता है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाता है एक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, एक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ मूलतः एक ऐसा उपकरण है, मूलतः एक ऐसा उपकरण है जिसमें चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र द्वारा, जिनमें चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र द्वारा पदार्थों में उपस्थित भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले, भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले परमाणुओं में से एक ही द्रव्यमान वाले परमाणुओं को फोटोग्राफिक प्लेट पर, फोटोग्राफिक प्लेट पर एक रेखा के रूप में अंकित कर लिया जाता है, फोटोग्राफिक फोटोग्राफिक प्लेट पर मिलने वाले परमाणुओं के समूह को द्रव्यमान स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात हुई कि पहले फोटोग्राफिक प्लेट, मास स्पेक्ट्रोग्राफ और ये सब चीज क्या है इनके रिगार्डिंग। फिर चलते हैं हम आगे इसमें। लिखिए पहले आप लोग इसे।
तो आपने ये लिख लिया होगा। अब देखते हैं हम इसमें आगे की अगर बात करें स्टूडेंट, तो ये तो हुई डेफिनेशन, ठीक है। अब इसके बारे में देखना है कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, मास स्पेक्ट्रोग्राफ के मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे हमने बात की थी ना, आयन सोर्स है, फिल्टर्स हैं, फोटोग्राफिक प्लेट है, ये क्या है इसके मुख्य अवयव, तो उसके बारे में बात करते हैं, उसको लिखवाते हैं। इसमें लिखिए सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वालों को लिख देते हैं, जब तक हिंदी मीडियम वाले अपना लिखते रहें, ठीक है। तो इसमें लिखिए बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, अब देखिए तो बेसिक कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इसके, लिखते हैं हम देयर इज थ्री मेन पार्ट्स ऑफ इट। ठीक है, तो थ्री कौन कौन से हैं, फर्स्ट लिखिए आयन सोर्स, सेकेंड लिखिए फिल्टर एंड फोकसिंग चैम्बर एंड फोकसिंग चैम्बर, और जो नेक्स्ट है सी वो है हमारा रिकॉर्डिंग चैम्बर, रिकॉर्डिंग चैम्बर। ठीक है, देखिए अभी आप लोगों को लग रहा होगा ये तीन कौन कौन से हैं, मेन सोर्स के अंदर आयन सोर्स तो हमने बात कर लिया, फिल्टर, फिल्टर में हमने वेलोसिटी निकाली तो वो वेलोसिटी फिल्टर है, सेम इसी तरीके से हम मोमेंटम फिल्टर देखेंगे, एनर्जी फिल्टर देखेंगे, वो है मतलब फिल्टर करना है, जिनके संवेग एक जैसे हैं, जिनके मोमेंटम एक जैसे हैं, जिनकी वेलोसिटी एक जैसी है, इस तरीके से। एंड फोकसिंग चैम्बर कि जिनको हमें बेलनाकार नली में सबको एक साथ लेकर आना है, वो फोकस करना है। रिकॉर्डिंग चैम्बर, रिकॉर्डिंग के अंदर आएगी हमारी फोटोग्राफिक प्लेट के बारे में, ठीक है। तो इसमें हिंदी मीडियम वालों को लिख देते हैं वो लोग, लिखिए इसमें हेडिंग लिखिए इसमें, सबसे फर्स्ट तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के मुख्य अवयव, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के मुख्य अवयव। ठीक है, तो इसमें लिखिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के मुख्य अवयव निम्न तीन हैं, राइट। तो तीन कौन कौन से हैं, आयन स्रोत, आयन स्रोत, आयन स्रोत फिल्टर व फोकसन कक्ष, एंड लास्ट में है स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग चैम्बर। ठीक है,
मतलब कि अभिलेखन कक्ष। अभिलेखन कक्ष, तो इसको लिखिए। और फिर हम लाइन वाइज पढ़ते हैं इनके बारे में। तो ये टॉपिक आपका यहाँ तक हो चुका है। नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे आयन सोर्स के बारे में लाइन वाइज, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए।